लॉकडाउन का विरोध करें और जिला प्रशासन को आपने चेतावनी भी दी है, सोमवार से दुकानें खोलने का जो है आपने सरकार प्रशासन को चेताया है, क्या है? जी बिल्कुल, हम लोग इसी के लिए सभी व्यापारी संघ के सभी प्रकार के व्यापारी आज हम लोग एकत्रित होकर के जिला प्रशासन के सामने समक्ष आए और उनसे यही निवेदन किया कि हम लोग सोमवार से दुकान खोलेंगे, क्योंकि और भी जगह पर हम लोगों ने देखा है कि जैसे भोपाल इंदौर में हमारे यहाँ खरगोन से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और उनसे जो ज़्यादा वहाँ पर लॉकडाउन उपाय नहीं है, परंतु इस चीज़ को लेकर के हम लोग यही कहने आए कि हम लोग व्यापारियों की हालत बहुत ही खस्ता है और दयनीय है, क्योंकि हम लोग लोन लेकर के किराए की दुकानें ले लेकर के हम हमारा घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति पिछले साल भी हमने उस चीज़ को सहन किया और हम लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी गड़बड़ाई गई है। हमने अन्य जगह के शहरों का भी उदाहरण देखा कि जैसे कि दिल्ली हुई, मुंबई हुआ, ऐसे बड़े बड़े शहरों का भी उदाहरण हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कि वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को मान्य किया है कि संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाना इस चीज़ का हल नहीं है। इसके लिए जो भी शासन द्वारा निर्देशित पालन करना है उस लिए हमने बकायदा इनको पर प्रशासन ने 17 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन लगाया है, संपूर्ण पूरे जिले में लगाया, तो आप फिर ऐसे में फिर दुकानें कैसे खोल पाएंगे? तो हम लोग वही उसी के निवेदन करने के लिए आए थे और हमने वही उनको चेतावनी दी कि हम तो सोमवार से दुकानें खोलेंगे, इसके लिए आप लोग हमारी प्रशासन भी हमारी मदद करो और हमारी बात को ऊपर गृह विभाग तक पहुँचाया जाए। क्यों? क्योंकि लगभग 2 दिन पूर्व में ही, जिस दिन यह लॉकडाउन का यह आया उसके जस्ट 1 घंटे पहले कलेक्टर भवन के निर्माण में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिसके 1 घंटे बाद हमारे खरगोन के लिए यह आ गया कि आप लोग 9 दिन का लॉकडाउन आपको झेलना पड़ेगा, यह कि उचित नहीं है। तो हमारा यही है, माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन यही कहना चाहते हैं कि उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से के पास भी आगे से गृह विभाग जहां से भी आदेश आया है उनके पास यह सारी सूचनाएं पहुंचाएं एवं हमारे यह सोमवार से हम लोग दुकानें खोलेंगे। हमें 4 दिन का यह है, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें यह चीज व्यापार करने दिया जाए। 4 दिन का गणगौर का त्यौहार है, साल भर से नहीं दीपावली मनाई, नहीं होली मनाई, नहीं रक्षाबंधन मनाया, हम लोगों ने किसी भी प्रकार का यह चीज नहीं किया। हमारे परिवार ने किस किस प्रकार की यातनाएं झेली है यह प्रशासन को पता नहीं है, परंतु अगर इस प्रकार के लॉकडाउन से अगर हल निकले तो आगामी समय में, आने वाले समय में व्यापारियों की हालत बहुत बेकार हो जाएगी और आत्महत्या करने पर हम व्यापारी भी मजबूर हो जाएंगे। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।